करंट यार, में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपको ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये जरूरी है एक अच्छा हेयर स्टाइल करने के लिए, या फिर अगर आप ब्लो ड्रायर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसके क्या ऑल्टरनेट्स हैं, और आप ब्लो ड्रायर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके बाल डैमेज भी ना हो और आपका हेयर स्टाइल भी पूरा दिन सेट रहे। तो उस सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आप बाय चांस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो व्हाट आर यू डूइंग, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर आप इसे सर्च कर सकते हैं। बट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली फ्रेश कॉन्टेंट। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करना जरूरी है अगर आप अपना फेवरेट हेयर स्टाइल करना चाहते हैं। सो यस, बिकॉज सबके बाल अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते हैं और अगर मैं इन्हें ब्लो ड्राई ना करूं तो मेरे सारे बाल नीचे आ जाएंगे, जस्ट लाइक द ओल्ड बीबर हेयर स्टाइल दैट इज नॉट इन ट्रेंड। सो ब्लो ड्रायर के इस्तेमाल से आपके हेयर फॉलिकल्स एक्सपैंड होते हैं, देन आप उसे किसी भी डायरेक्शन में ब्लो ड्राई कर सकते हैं। देन आप उसे कोल्ड एयर के इस्तेमाल से अपने हेयर फॉलिकल्स को वापस लॉक करके अपने बालों को वहीं रख सकते हैं। देन आप उस पर हेयर प्रोडक्ट लगा के अपने हेयर स्टाइल को पूरा दिन के लिए इन प्लेस लॉक कर सकते हैं। एंड नहीं, इससे आपके बालों की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज नहीं होगी। आप सुबह नहाएंगे, आप शैम्पू करेंगे तो आपके हेयर वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो इनिशियली थे। सो अगर आप बहुत ज्यादा अफ्रेड हैं कि ब्लो ड्राइंग से आपके बाल डैमेज होंगे तो इसके अलावा जो भी ऑल्टरनेट हैं जिनसे आप अपने बालों को सुखाते हैं करंटली, वो भी आपके बालों को डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉवल से अपने बालों को बहुत ज्यादा हार्शली रब करेंगे उससे आपके बाल डैमेज होंगे, एंड आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि वो नेचुरली सूख सके, ताकि वो नेचुरली ड्राई आउट हो सके, तो वो भी बहुत ज्यादा डैमेजिंग है अपने बालों के लिए, क्योंकि जब आपके बाल गीले होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं और वो इजीली टूट सकते हैं। सो अगर आपके बाल गीले हैं, आप किसी तकिए पे सर रखते हैं, तो उससे भी आपके बालों के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ब्लो ड्राइंग इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट, ताकि आप अपने बालों को सुखा पाए और आपके बाल कम से कम टूटे, आपके बाल कम से कम डैमेज हो। बट स्टिल आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं, क्योंकि ब्लो ड्राई अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो हाँ, उससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक्स ना करें एंड यू विल बी सेफ टू यूज अ ब्लो ड्रायर। सबको सबसे पहली मिस्टेक जिसे अवॉइड करना है ब्लो ड्राई करते हुए, कि आपके बाल अगर पहले से ड्राई हैं तो आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है, आपको अपने डैम बालों में ही ब्लो ड्राई करना है। क्योंकि अगर आपके बाल पहले ही सूखे हुए हैं, पहले ही ड्राई हैं, आप उसे और ज्यादा ब्लो ड्राई करेंगे तो आपके बाल फ्रिजी हो सकते हैं, आपके बालों का मॉइस्चर कंप्लीटली खत्म हो सकता है, एंड वी डोंट वांट दैट। नंबर टू, आपके ब्लो ड्रायर में मल्टीपल हीट सेटिंग्स होती हैं, तो मेक श्योर आप जब भी इस्तेमाल करें अपने ब्लो ड्रायर को, आप सबसे कम हीट सेटिंग पे उसे इस्तेमाल करें। नंबर थ्री, आपको अपने ब्लो ड्रायर को अपने बालों से 10-15 सेंटीमीटर दूर रखना है, और मेक श्योर आप एक ही एरिया में लॉन्ग टाइम तक हीट अप्लाई ना करते रहे, आपको अपने ब्लो ड्रायर को मूव करते रहना है और अपनी कॉम्ब को मूव करते रहना है। नंबर फोर, अगर आपके बाल पहले से ही ड्राई है, फिर आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं, आप हीट प्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में ब्लो ड्राइंग से पहले, जो आपके बालों को हीट से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। एंड आई गेट इट, हीट प्रोटेक्टेंट थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं, तो इसका एक अच्छा अल्टरनेट है आर्गन ऑयल, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को हीट से होने वाले डैमेज से तो प्रोटेक्ट कर ही पाएंगे, या आपके बालों को ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा और आपके बालों को नरिश करेगा। आपको हीट प्रोटेक्टेंट और आर्गन ऑयल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएंगे, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आप आर्गन ऑयल का ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई और ऑयल यूज ना करें, क्योंकि डिफरेंट ऑयल्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर आप कोई और हेयर ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो आपके बालों को फ्राई कर दे, तो मेक श्योर आपको यूज सिर्फ आर्गन ऑयल करना है एज अ हीट प्रोटेक्टेंट। सो आपको कौन सा ब्लो ड्रायर इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेक श्योर आपका ब्लो ड्रायर एटलीस्ट 1000 वॉट से ज्यादा का हो, ताकि आपको पूरा दिन अपने ब्लो ड्रायर को हाथ में पकड़ के ना बैठे रहना पड़े अपने बालों को सुखाने के लिए। उसके अलावा आपके ब्लो ड्रायर में मल्टीपल हीट सेटिंग्स होनी चाहिए, ताकि आप कम से कम हीट सेटिंग का इस्तेमाल कर सके अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हुए। एंड मेक श्योर उसमें कोल्ड सेटिंग जरूर हो, क्योंकि आप हीट सेटिंग से अपने फॉलिक्यूल्स को ओपन करके अपने बालों को सेट कर सकते हैं, बट उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक कोल्ड सेटिंग का इस्तेमाल करें अपने फॉलिक्यूल्स को वापस लॉक करने के लिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ब्लो ड्रायर्स मेंशन कर दूंगा, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपके बजट प्राइस रेंज में हो और जिनके अंदर ये सभी सेटिंग्स हो दैट आर नेसेसरी। सो दिस वॉज अ शॉर्ट सिंपल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो नीचे जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब को पता चले आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करना इज नॉट दैट हार्मफुल, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, या फिर आप फ्यूचर में किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन द लाइफस्टाइल फैमिली।